नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक बाबा में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे हम PHP के अंदर रिटर्न वैल्यू किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। तो बेसिकली रिटर्न क्या करता है कि अगर आपने समझो दो नंबर को ऐड किया, ओके, ऐड करने के बाद अगर आपको वो नंबर को प्रिंट नहीं करना है बट स्टोर रखना है आपको, ओके, तो हम यहाँ पे रिटर्न यूज करते हैं। ओके, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करेंगे, पहले 10 प्लस 10, ओके, और दूसरा लेंगे 5 प्लस 5। ओके, अब ये जो 10 प्लस 10 का एडिशन आएगा यानी कि 20, और ये 5 प्लस 5 का जो एडिशन आएगा 10, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो हम लोग को प्रिंट करना यानी कि 2। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा ऐड करके, जहां पे मैं दो नंबर्स को ऐड करूंगा। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी फंक्शंस के बारे में, जो कि फंक्शंस विद पैरामीटर्स है, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, और हम लोग फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो आप पहले वो देख लीजिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट करके वेरिएबल के अंदर मेरा जो दोनों नंबर का एडिशन है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब इसे मैं एको कर देता हूँ, पहले आपको एको करके बताता हूँ कि एको और रिटर्न में फर्क क्या है। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसे रन करते हैं। वैल्यू तो पास किया ही नहीं, 10, 10। अब देखते हैं। ओके, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे रिजल्ट को एको किया, ओके, तो मुझे 20 प्रिंट हो गया। अब उसके यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ। अभी से रन करते हैं। तो आप देखते हो, देख सकते हो हम लोग को कुछ भी नहीं आया, यानी यहाँ पे रिटर्न से क्या हुआ, ये एडिशन हो गया है, ओके, पर ये प्रिंट नहीं होगा। सो अब हम जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे उस पे जाते हैं। सो मैंने एडिशन के लिए एक फंक्शन बना लिया, वैसे ही सिमिलरली मैं डिवीजन के लिए फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन डिवाइड, इसके अंदर मैं फिर से दोनों नंबर, दोनों वेरिएबल पास करूंगा। इसको भी हम लोग पहले की तरह रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। रिटर्न करके ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे एडिशन और डिवीजन दोनों साथ में करना है, ओके, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं सम करके। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले फंक्शन कॉल करूंगा डिवाइड। ओके, मैंने डिवाइड को कॉल किया। अभी आपको पता है फंक्शन के अंदर अभी मुझे डिवाइड करने के लिए दो दो आर्ग्यूमेंट चाहिए रहेंगे, ओके, तो एक आर्ग्यूमेंट रहेगा वो कॉमा के इस साइड पे आएगा,
और एक आर्ग्यूमेंट रहेगा वो कॉमा के ई साइड पे आएगा। अब मैं इस आर्ग्यूमेंट में, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैं फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि मेरा ऐड फंक्शन है। मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करके फिर उसको मैं वैल्यूज पास करूंगा 10, 10। सो मेरा ये जो इतना पार्ट हो गया वो मेरा डिवाइड फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट हो गया। अब मैं दूसरे फंक्शन, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करूंगा जो कि रहेगा 5, 5। ओके, सो आपको समझ गया रहेगा क्या किया मैंने। ओके, अब मुझे ये जो मेरा सम है उसको मैं एको करूंगा। अब इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आया। अभी ये 10 प्लस 10 20 हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 2 हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन भी यूज़ कर लिया, हम लोग ने फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स भी यूज़ कर लिया। ओके, और फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन यूज़ करते हैं हमने वो भी देख लिया। तो यही था हमारा फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू। थैंक यू।